चंडीगढ़ से आए हुए कुछ साईं कि बाबा हमें हर साल ऐसे बुलाते रहे और हम ऐसे मस्ती में बाबा के रंग में रंगते जाए। क्या बात है, जब बाबा से आपने रंग खेला बाबा को रंग लगा, आपने बाबा से क्या कहा, क्या मांगा बाबा से? मैंने बाबा से बाबा को ही मांग लिया। क्या बात है, क्या मांगा? मैंने बाबा से ये मांगा कि बाबा जैसे आप सभी को रंग रहे हो वैसे हमें अपने रंग में रंग लो सारी जिंदगी जन्मों जन्मों के लिए। क्या बात है, जब बाबा से रंग लगाया कैसा अनुभव रहा? आज आप शिरडी में हो, बाबा के साथ रंग खेला, कैसा लग रहा है? मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की हूँ, मैं तो जब भी बाबा के पास आती हूँ मुझे रोना आ जाता है, मैं रोती हूँ और बहुत रोती हूँ। कितने सालों से रंगमंच में साईं बाबा के साथ? मेरा ये दूसरा साल है, पहले बीच में कोरोना की वजह से रंगपंचमी में नहीं आ पाए थे तो अब दूसरी बार आई हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत बाबा ने बड़ी मुश्किल से बुलाया मुझे क्योंकि 2 महीने पहले मैं भी होके गई हूँ। तो हम सारे शिरडी वासी यही चाहते हैं कि हर साल आप शिरडी आए और साईं बाबा के साथ रंगपंचमी को मनाएं। बाबा बुलाए हमें हर रंगपंचमी पे और हम ऐसे ही बाबा के साथ होली खेले, सब लोगों के साथ होली खेले। जी, खेलेंगे रंग साईं के संग। हमारे साथ दुनिया के मशहूर साईं भजन सम्राट पारस जी जैन हैं जो कि शिरडी से है, हमेशा अपने भजनों से साईं भक्तों को शिरडी बुलाते हैं, तो आज उनके भजनों को सुनकर हजारों साईं भक्त शिरडी में साईंनाथ के साथ रंग खेलने के लिए आज यहां पर है। मैं पारस जी से कहना चाहूंगा कि पारस जी कैसा लग रहा है आप, हजारों साईं भक्त आपके साथ? बहुत बढ़िया लग रहा है मनी भाई, और मैं तो चाहता हूँ पहले शुरुआत ही कलर से हो जाए। हमारी दीदी भी आई हुई है चंडीगढ़ से, ममता दीदी, हैप्पी रहिए, हैप्पी होली संतोष भाई, हैप्पी होली, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आप पीछे पंडाल देख रहे हैं, क्रांति युवक मंडल जिसके फाउंडर है सचिन तांबे जी, इन्होंने बहुत ही हमेशा नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, और इसी पल के लिए मुझे एक मनी भाई लाइन याद आ रही है। क्या बात, वो तो बनता ही है पारस भाई। आया होली का त्योहार नाचो रे सब मिलजुल के, आया होली ली त्योहार नाचो रे सब मिलजुल के, मनी भाई के साथ नाचो रे सब मिलजुल के, मनी भाई के साथ नाचो रे सब मिलजुल के, हाँ संतोष तांबे के साथ नाचो रे सब मिलजुल के, शिरडी लाइव के साथ नाचो रे सब मिलजुल के। और जी बहुत सारे लोग आज ऐसे भी अपने घरों से रंगपंचमी को देख रहे हैं, मना रहे हैं। जो लोग आज शिरडी नहीं आ पाए, साईंनाथ के साथ रंग नहीं खेल पा रहे हैं, उनके लिए आप एक भाव भरा आमंत्रण कर दीजिए। घर बैठे आप जब शिरडी आएंगे तो एक ही लाइन कहेंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन मुझको शिरडी साईं बुलाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन साईं शिरडी हमको बुलाएंगे। और यही सब भक्त चाह रहे हैं कि जब भी बाबा हमें आदेश देंगे तो हम पलके बिछा देंगे शिरडी आने के लिए। ये सब भक्तों की सोच है मनी भाई। क्या बात है, क्या बात है। मैं फिर एक बार पारस जैन की ओर से आप सभी साईं भक्तों को मैं भाव भरा आमंत्रण करता हूं कि आप इस बार नहीं आ पाए हो लेकिन अगले साल आपको हमारे साथ और साईंनाथ को रंग लगाने के लिए आपको शिरडी जरूर आना है। खेलेंगे रंग साईं के संग।